हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमने 1.1 सीखा, उसमें आपने फिक्स्ड बेस मेथड, चेन बेस मेथड, जर्नल इंडेक्स एंड आपने एवरेज मेथड सीखा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट कर रहे हैं, जो पेज नंबर 18 पे है। उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सेम सम है, सेम मेथड्स हैं जो हमें आपको पहले सिखा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर फोर थोड़ा डिफरेंट है, अभी मैं आपको वो सिखाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फोर में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो चेन बेस इंडेक्स मेथड दिया हुआ है, चेन बेस इंडेक्स नंबर दिए हुए हैं और आपको फाइंड फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर का फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, हमने क्या है, फिक्स्ड बेस सीखा है, चेन बेस सीखा है, पर आज क्या है कि चेन बेस दिया हुआ है और आपको फिक्स्ड बेस निकालना है। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से रीड कीजिए, क्वेश्चन नंबर फोर है, पेज नंबर 19 पे है, मैं रीड कर रहा हूँ। द चेन बेस इंडेक्स नंबर फॉर सेल ऑफ अ सर्टन टाइप ऑफ स्कूटर फ्रॉम द ईयर 2010 टू 15 आर फॉलोज। देखिए स्टार्टिंग देखिए, द चेन बेस इंडेक्स नंबर, मतलब जो अंदर इंडेक्स नंबर दिए हुए हैं वो चेन बेस इंडेक्स नंबर है। फाइंड फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर तो कैसे फाइंड करते हैं, मैंने यहाँ पे सम करके रखा है। आप देखिए, ये इंडेक्स नंबर दिए हुए हैं, ये जो इंडेक्स नंबर है ये चेन बेस इंडेक्स नंबर है, ये जो इंडेक्स नंबर है ये चेन है। आपको चेन को कन्वर्ट करना है फिक्स्ड में, आपको चेन बेस को कन्वर्ट करना है फिक्स्ड बेस में, आपको कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करना है, ये जो इंडेक्स नंबर है सबके नीचे हमको 100 लगा देना है, क्योंकि फिक्स्ड बेस से फाइंड करना है। ध्यान रखना, जब भी चेन में से कन्वर्ट करेंगे फिक्स्ड बेस में तो सबके नीचे पहले आप 100 लगा देना, यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 करना फर्स्ट में, आंसर आया 110। अब वैसे मोस्ट ऑफली हमने क्या सीखा है कि सभी इंडेक्स नंबर को हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ ऐसा नहीं करना है। ये जो आंसर आया 110, इसको यहाँ नीचे मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर आया 123.2, फिर इस 123.2 को यहाँ नीचे मल्टीप्लाई करना है। समझ में आ रहा है, सभी इंडेक्स नंबर में सबसे पहले सबके नीचे 100 रख देंगे, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आया वो नीचे मल्टीप्लाई करेगा, 100 नहीं, जैसे कि यहाँ पे 110 आया तो 110 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आंसर आया 123.2, फिर यहाँ पे 123.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आया 134.29, फिर ये जो 134.29 यहाँ नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आया, फिर इस आंसर को नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आया, इसको नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेथड आया। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी चेन बेस में से हमको फिक्स्ड बेस में कन्वर्ट करना है तो 100 सबके नीचे लगा देना है, और जो मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट ईयर को 100 से करना, बाकी के ईयर्स में जो आंसर आ रहा है उस आंसर को नीचे मल्टीप्लाई कर देना। सो ध्यान रखना, एग्जाम में क्या पूछा गया है, कन्वर्ट पूछा गया है अगर चेन में से फिक्स्ड में, तो इस तरह से आपको सम करना है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में 1.3 सीखेंगे। ओके, थैंक्स।